सूरज का नारा है, चढ़ता सूरज सूरज की किरणें। तो आप देख सकते हैं कि लोग समंदर से डरते हैं, लेकिन समंदर इन एसएसजी कमांडोज से डरता है। ये है वो आजम, ये है वो फेथ, ये है वो डिसिप्लिन, जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी दुनिया की तमाम नेवी से बहुत ज्यादा आगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान और पानियों पे चले। सी फेज के एंड में ये एंड्योरेंस स्विमिंग है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल। तो इसमें हम कोर्स को वेरी फर्स्ट लाइट पे हम समुंदर में उतारते हैं और उन्होंने मगरिब तक वापस आना होता है, अपना टाइम कवर करना होता है। ये 10 किलोमीटर जाते हैं और 10 किलोमीटर आते हैं, और ड्यूरिंग स्विमिंग ये जब वहाँ पर पहुँचते हैं टच बैक पॉइंट पर, वहाँ पर हम इनको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये हम आपको करके देखेंगे, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। तो ये कोर्स का सबसे आखिरी इवेंट होता है जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है पूरे कोर्स के दौरान। अभी उसका इनसे मतलब एक किस्म का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें अब ये होता है कि हम इनको टेरेन वाइज ट्रेन करते हैं। अगर सी के साथ हमने इनको ट्रेन किया तो हम उनको बताते हैं कि आपको क्या क्या फूड यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है और ज़मीन पर आपको किस जगह टेरेन के मुताबिक कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है। तो अभी आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये लॉबस्टर है, कबूतर है और मुर्गियाँ हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, क्योंकि होता ये कि जब आप सर्वाइवल स्टार्ट तब होता है कि आप जब दुश्मन के इलाके में इंट्रूड कर जाते हैं, उसके बाद आपने वहाँ पे रहना है। कल जो आपको मिल सकते हैं जानवर परिंदे, तो उनसे ये लोग अपनी एनर्जीज बहाल रखते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो खा लेते हैं ये शैलो वाटर में और पत्थरों में आसानी से मिल जाता है, और जब हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमने सर्वाइव करना हो, तो ये चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसके दरमियान में गोश्त है, इसके ऊपर वाटर भी होता है, उसमें एनर्जी मिलती है, उससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी टांगें तोड़ते हैं, इसमें हमें पानी मिलता है, इसे फिर खोलते हैं अंदर से, इसमें प्रोटीन्स मिलती हैं एनर्जी बहाल करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए। इसमें गोश्त होता है, वो ज़िंदा रहने के लिए हमें जरूरी है, हमें प्रोटीन्स मुहैया करता है और हम 2 से 3 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं।